खून के रिश्ते। कहते हैं कि एक दिन गांव के कुएं में अजीब माजरा हुआ। जो डोल भी कुएं में डाला जाता वापस नहीं आता, जबकि रस्सी वापस आ जाती। सारे लोग खौफजदा हो गए कि अंदर ज़रूर कोई जिन या जिन्नात है जो ये हरकत करता है। आखिर ये ऐलान किया गया, जो इस राज का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा, इसको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गांव वालों के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, मगर एक शर्त पर, और शर्त ये है कि मैं कुएं में इस सूरत उतरूंगा। जब रस्सा पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल हो। इसके भाई को बुलाया गया और रस्सा पकड़ने वालों ने रस्सा पकड़ा। एक डोल में बिठाकर इस बंदे को कुएं में उतारा गया। इस बंदे ने देखा कि कुएं में एक बंदर बैठा हुआ है। जो फौरन रस्सी खोल देता है। इस बंदे ने अपनी जेब को चेक किया तो इसमें गुड़ मिल गया। उसने वो गुड़ बंदर को दिया, बंदर इससे मानूस हो गया। इस बंदे ने बंदर को अपने कंधे पर बिठाया और जोर जोर से रस्सा हिलाया। गांव वालों ने रस्सा खींचना शुरू कर दिया। उन्हें डोल अंधेरे से रोशनी में गांव वाले बंदर को देखकर दहशत ज़दा हो गए और रस्सा छोड़कर सरपट भाग गए। मगर इस बंदे का भाई रस्से को मजबूती से पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता रहा। आखिर वो किनारे तक पहुंच गया। कुएं से उतरकर उसने इस बंदर को नीचे उतारा और लोगों को इसकी कारस्तानी बताई। फिर कहा, मैंने इसलिए अपने भाई की शर्त रखी थी। मेरे साथ कोई भी अनहोनी होगी तो तुम लोग भाग निकलोगे, जबकि भाई को खून की मोहब्बत रोके रखेगी। याद रखें, कोई लायक अच्छाई करे मगर खूनी रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, उनकी कदर करें। मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।